अभी की सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, बिग इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है बिग बॉस के फाइनले सेट से, जहां पे बिग बॉस का शो शुरू हो चुका है वहां से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक लीक खबर निकल कर आ रही है कि मुनर फारूकी 200% विनर बनने वाले, और विनर तो बनने वाले लेकिन वन साइड जीत होने वाली है। मतलब टॉप फाइव के अंदर जो 5 खिलाड़ी आए थे वो एक साइड और मुनर फारूकी एक साइड, मतलब इस लेवल की मुनर फारूकी जीत होने वाली है, क्योंकि जिस लेवल मुनर फारूकी के लोगों ने वोट किया, चाहे वो सिटी हो चाहे वो गाँव हो चाहे वो कोई भी हो, यहाँ तक कि विदेशी मुनर फारूकी को सपोर्ट आया, और जिस लेवल पे वोटिंग की गई, वोटिंग पोल लगा लगा के, जैसे इलेक्शन में पोल लगाते वैसे इलेक्शन की जैसे पोल लगा लगा के मुनर फारूकी को वोटिंग की गई, तो एक तरफा जीत होना ही पक्की है, क्योंकि मुनर फारूकी जनता ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन मुनर फारूकी ने भी शो के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपनी इज्जत अपनी सारी चीज़ दांव पे लगा ली थी, क्योंकि बिग बॉस ने जिस लेवल पे जाके मुनर फारूकी बदनाम करने की कोशिश की, जिस लेवल पे जाके मुनर फारूकी को रुलाया धुलाया, ऐसी कंडीशन आ चुकी थी कि अगर वो बाहर रहते तो कहीं ना कहीं सुसाइड का भी सोच सकते थे, लेकिन मुनर फारूकी डटे रहे, लोगों को एंटरटेनमेंट किया और वहां पे उस अपनी जगह से कभी हिले नहीं, और पब्लिक ने जिस लेवल का सपोर्ट दिखाया मुनर फारूकी को, अलग लेवल का सपोर्ट दिखाया, और ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि मुनर फारूकी बिग बॉस की ट्रॉफी वन साइड जीतने वाले हैं, और ऐसे कई सारे फोटो भी एडिट हो चुके हैं फैंस के साथ जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे, बस आप उस चीज का वेट करिए जब सलमान खान मुनर फारूकी का हाथ उठाए ट्रॉफी दे और मुनर फारूकी उस पर कुछ शेर बोले, क्योंकि वो मूवमेंट ही अलग होने वाला, और ये तो पक्का है भाई वन साइड जीत होने वाली है, जी खबरें निकल कर आ चुकी है बिग बॉस के सेट से, और ये हमें दिख भी रहा है साफ साफ, लेकिन आप कितना बेसब्री से वेट कर इंतजार कर रहे आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको सारी अपडेट सारे वीडियो सारे फोटो यही देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बिग बॉस 70 की ट्रॉफी हाथ में लेते हुए मुनर फारूकी की आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए।